रॉबिन छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि नानी के गार्डन में काफी बढ़िया आम का पेड़ है और पास में ही तालाब है। वो आम गिराने के लिए पेड़ पर पत्थर मारता है और वहां से बहुत सारी मधुमक्खियां रॉबिन पर अटैक कर देती है। अब रॉबिन के पास बचने के दो रास्ते हैं, या तो वो घर के अंदर भाग जाए जो कि 50 मीटर्स की दूरी पर है, या फिर वो तालाब में कूद जाए जो कि 40 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि रॉबिन को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? जल्दी से अपने जवाब कमेंट में दें। दोस्तों चलिए इसका जवाब जानते हैं। दोस्तों, रॉबिन को 50 मीटर्स की दूरी पार करके अपने घर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो घर के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर सकता है। लेकिन वो पानी में कूदेगा तो ज्यादा समय के लिए पानी के अंदर नहीं रह पाएगा और जब भी बाहर निकलेगा मधुमक्खियां उस पर अटैक कर देगी। ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।